अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कि गाय के मक्खन से आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, वजन गाय के मक्खन से? जी गाय के मक्खन से। आपने जौ का दलिया बनाया तकरीबन एक कप, ठीक है, ये मैं आपको नाश्ता बनाना नाश्ता जो है नाश्ते का बता रही हूँ कि ये नाश्ता करने से आपका पेट भी भरेगा, आपको ताकत भी आएगी, साथ में आप अपना वेट रिडक्शन की तरफ भी जाएंगे। अच्छा। और भरपूर नाश्ता होगा गर्मियों का, जो गर्मियाँ आ रही हैं उसमें, मतलब आप देखिए आगे रमज़ान आने वाले हैं, आपको ताकत तो चाहिए, ये चीज़ आप सहन में भी ले सकते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं। उसके बाद आपने गाय का ही दूध लेना है, आजकल गाय का दूध अवेलेबल है। अच्छा। ठीक है, जैसे आपने एक कप आपने लिया जौ का दलिया, एक कप आपने इसमें जो है दूध डाला गाय का, और दो चम्मच भर के आपने मक्खन डालना। अब आप बोलेंगे इतना सारा है, लेकिन इनकी कैलोरीज को अगर आप काउंट करेंगे ना तो ये बहुत कम बनती है। अच्छा, और हैवी होगा तो आप अगर रोजा रख रहे हैं उसके लिए फिर आपके लिए जरा सूटेबल रहेगा, पेट भरा भरा। जी बिल्कुल, क्योंकि जौ का दलिया आप खाने से क्या आपको देर से भूख लगती है, मैं खुद नाश्ते में एक जमाने में खा रही थी जी, तो प्रॉपर एनर्जी रहती है आपके सारे वक्त, और आपको 4-5 बजे जाके भूख लगती है, तो तब से अफ्तारी तक आप आराम से अपना टाइम पास बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी एक और बात कि आप देखिए इसमें आपने क्योंकि आपने वो करना है मतलब सहरी में, या आप चाहते हो कि आपको प्यास ना लगे गर्मियों में, तो आपने नमक नहीं डालना, आपने जो मक्खन है उसमें भी नमक नहीं होना चाहिए। मैं मार्जरीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मक्खन की बात कर रही हूँ, ये याद रखिएगा। गाय का? जी गाय का मक्खन, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी शहद, ये एक भरपूर नाश्ता हो गया, वर्किंग लेडीज़ के लिए नाश्ता हो गया, जो मेल हजरात काम करते हैं उनके लिए नाश्ता हो गया, जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स है उनके लिए नाश्ता हो गया, क्योंकि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वो रोज़े भी रखेंगे और वो अपने एग्ज़ाम्स भी देंगे, तो ये भरपूर मील हो गई जो आपका वेट बढ़ाएगा नहीं लेकिन दिमाग को रोशन रखेगा, आप अपने पेपर्स दे सकेंगे, आपको ताकत रहेगी, और आप ये नाश्ता करें अपना वेट प्रोडक्शन में भी आपके काम आएगी, बजाय दूसरी चीज़ें खा के पेट में भार ला के और आपको प्यास लगे और उनकी इनडाइजेशन का एहसास हो। ये डाइजेस्ट भले देर से होता हो लेकिन इनडाइजेशन का एहसास आपको नहीं देता और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हुए पेट में रहता है, तो इसलिए ये भरपूर अच्छा नाश्ता है। सही, इसमें हम एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं जी। इसमें हमने डाला है जौ का दलिया एक कप हमने मतलब कि पकाने के बाद एक कप, ठीक है। उसके बाद हमने एक कप गाय का दूध लिया है, दो चम्मच भर के हमने इसमें गाय का मक्खन डाला है, एक चम्मच हमने शहद डाला है, और जो इसको उबाल रहे थे उसमें भी हमने नमक नहीं डाला है, बहुत सारे घरानों में नमक डालने का रिवाज होता है, नहीं डाला है, ठीक है। और उसके बाद ये जो ये दलिया टाइप बन गया है और इसका नाश्ता करना है सुबह या सहरी में इसको खाना है, ठीक है।